इस एपिसोड की शुरुआत होती है 4 साल के इज़ुकु मिडोरिया से, जो माई हीरो एकेडमिया का मेन कैरेक्टर है, और उसके दोस्त एक बच्चे को धमकाते रहते हैं और उसे बचाने के लिए इज़ुकु कात्सुकी बाकुगो को रोकता है। लेकिन कात्सुकी इज़ुकु को सीरियस नहीं लेता और उसे चिढ़ाता है क्योंकि वो क्वर्कलेस है, मतलब उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में अब 14 साल का इज़ुकु हीरोज को एक बहुत बड़े विलन से बैटल करते देखता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं बहुत साल पहले चाइना के किंकिंग सिटी में एक चमकते बच्चे का जन्म यूनिक पावर्स के साथ हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया भर में ऐसी और भी घटनाएं हुई और जल्द ही आधी से ज़्यादा आबादी को क्वर्क्स के रूप में सुपर पावर मिल गया। इसके कारण लोगों ने हीरोइज्म को अपना प्रोफेशन बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद एक हीरो कामुई वुड्स एक जाइगेंटिक विलन से बैटल करता रहता है और उसे हराने वाला ही रहता है कि तभी अचानक से माउंट लेडी आ जाती है और अपने कैनियन कैनन मूव से जाइगेंटिक विलन को हरा देती है और अनाउंस करती है कि आज उसका पहला दिन है हीरो के तौर पर। इसलिए बहुत सारे लोग उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं और इज़ुकु जल्दी से माउंट लेडी के क्वर्क जाइगेंटिफिकेशन के बारे में नोट कर लेता है। और तभी एक आदमी पूछता है कि क्या तुम्हारा लक्ष्य भी हीरो बनना है, और उसे गुड लक विश करता है। और फिर इज़ुकु स्माइल करता है और बोलता है कि वो अपना पूरा बेस्ट देगा। उसके बाद इज़ुकु अपने स्कूल जाता है जहां उसके टीचर सारे बच्चों से अपने अपने फ्यूचर को लेकर लेक्चर देते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि सारे बच्चे हीरो बनना चाहते हैं। और तभी क्लास में सारे बच्चे अपने अपने क्वर्क को यूज़ करने लगते हैं और टीचर उन्हें याद दिलाते हैं कि स्कूल आवर में क्वर्क यूज़ करना अलाउ नहीं है। और कात्सुकी टीचर से कहता है कि उसे सबके साथ मिक्स ना करे क्योंकि वो सुपीरियर है, और उसके क्लासमेट्स ये सुनकर उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और वो उन सबको चुप रहने को बोलता है। तब उन्हें याद आता है कि वो UA हाई स्कूल में जाना चाहता है और बाकी बच्चे एग्ज़ाम के टफनेस को लेकर आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन कात्सुकी उन सबको बताता है कि उसने मॉक एग्ज़ाम पास कर लिया है और वो टॉप हीरो ऑल माइट को भी सरपास करना चाहता है। तभी उनका टीचर मेंशन करता है कि इज़ुकु भी UA हाई स्कूल में जाना चाहता है, और ये सुनकर पूरा क्लास हंसने लगता है और उसका पूरा क्लास बोलता है कि वो कभी भी हीरो कोर्स नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई ही कर सकता है। इज़ुकु खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कात्सुकी बोलता है कि वो अपने आप को मेरे बराबरी का ना समझे क्योंकि वो क्वर्कलेस है। और इज़ुकु एक्सप्लेन करता है कि वो कात्सुकी से कम्पीट नहीं करना चाहता, बस वो अपने बचपन के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके सपने पूरे होंगे या नहीं। तो कात्सुकी बोलता है कि ये एग्ज़ाम पास करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। और दूसरी जगह एक स्लज विलन क्राइम करके भागते रहता है और क्राउड उसे देखती है, और तभी क्राउड में से कोई कमेंट करता है कि विलन्स का कभी अंत नहीं होगा, और उसके जवाब में एक हीरो कहता है कि जब तक वो है तब तक विलन्स का अंत होगा। उसके बाद वापस इज़ुकु के स्कूल में इज़ुकु अपना नोटबुक उठाता है और इस घटना के बारे में अपने फ़ोन पर पढ़ता है और घर जाने के लिए तैयार होता है। तभी कात्सुकी आता है और अपने क्वर्क से नोटबुक को ब्लास्ट कर देता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है और इज़ुकु को ताने मारता है, लेकिन इज़ुकु इसका जवाब नहीं देता और वो सब वहाँ से चल जाते हैं। फिर इज़ुकु नीचे जाता है और अपने नोटबुक को उठा लेता है। फिर उसे एक बचपन की घटना याद आ जाती है जिसमें वो ऑल माइट का एज अ हीरो डेब्यू वाला वीडियो देखता है जिसमें ऑल माइट ने 100 लोगों को बचाया था, और तभी से इज़ुकु डिसाइड करता है कि वो भी ऑल माइट जैसा बनेगा। लेकिन बाद में वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो हीरो नहीं बन सकता क्योंकि वो क्वर्कलेस है। फिर इज़ुकु दोबारा से वो वीडियो देखता है और रोने लगता है और अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो कभी भी ऑल माइट जैसा हीरो नहीं बन सकता। तो उसकी मॉम भी रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि किसी भी सिचुएशन को स्माइल करके फेस करेगा। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में इज़ुकु अपने घर जा रहा था और वहाँ पर वही स्लज मॉन्स्टर जो क्राइम करके भागा था आ जाता है और इज़ुकु पर हमला कर देता है, और इज़ुकु को मारने ही वाला रहता है कि अचानक से ऑल माइट अपीयर होता है और
टेक्सास स्मैश मूव से विलन को हरा देता है। फिर इज़ुकू ऑल माइट को देखता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब इज़ुकू होश में आता है तो चौंक जाता है अपने आइडल को अपने सामने देखकर, और ऑल माइट से ऑटोग्राफ मांगता है, लेकिन देखता है कि ऑल माइट का ऑटोग्राफ उसके नोटबुक में पहले से ही है। और उसके बाद ऑल माइट विलन को कस्टडी में लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन इज़ुकू उसका पैर पकड़ लेता है और उसके साथ उड़ने लगता है। और जब ऑल माइट को ये पता चलता है तो वो इज़ुकू को पैर छोड़ने के लिए बोलता है। तब इज़ुकू बोलता है अगर उसने पैर छोड़ा तो वो मर जाएगा। उसके बाद ऑल माइट उतरने के लिए जगह देखने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो चिंतित हो जाता है। उसके बाद वो एक बिल्डिंग की छत पे उतरता है और इज़ुकू ऑल माइट से पूछता है कि जिसके पास क्वर्क नहीं है क्या वो भी उसकी तरह हीरो बन सकते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।